दोस्तों, यदि आपने भी पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया हुआ है और आपके मोबाइल पर कुछ इस तरीके का मैसेज आया हुआ है, इसका क्या मतलब है, कब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस मैसेज में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है, बधाई हो पीएम विश्वकर्मा में आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। आपको 6 दिनों का कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के पहले दिन आपको 15,000 रुपये का ई वाउचर मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आप 5% ब्याज पर 3,00,000 तक का लोन यहां पर ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो यहां पर यह दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया हुआ था, वह आवेदन आपका स्वीकार कर लिया गया है, सफलतापूर्वक अप्रूव कर दिया गया है। अगर आपका पहले पेंडिंग दिख रहा है तो अब आप स्टेटस चेक करिए, वहां पर आपका सक्सेसफुली अप्रूव दिख रहा होगा, और जब ये अप्रूव हो जाता है तभी ये मैसेज आता है आपके मोबाइल पर। अब आप बात करते हैं कि यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं, इसके लिए आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का स्टेटस चेक। सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को एंटर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो स्टेटस के कॉलम में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिख करके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस के कॉलम में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिख करके आ चुका है, यानी कि आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो चुका है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे, नीचे आप आएंगे पीएम विश्वकर्मा योजना रजिस्ट्रेशन, तो तीनों स्टेप यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो चुका है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा और आईडी कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ऊपर आना है, तो ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा टूलकिट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए, यहाँ पर आपका जो टूलकिट है वह सिलेक्ट किया गया है। और इसके अलावा आप यहां पर ट्रे के डिलीवरी ऑफ योर सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड, यानी कि सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड आपका बाई पोस्ट भेजा जाता है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कहां तक पहुंचा है। उसके लिए आपको यहां पर इस पर क्लिक करना होगा, ट्रैक सर्टिफिकेट, ट्रैक डिलीवरी ऑफ योर सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, ट्रैक डिलीवरी ऑफ योर टूलकिट। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, पहले दिन जाएंगे, तो उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर टूलकिट भेजी जाएगी, और टूलकिट को भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी टूलकिट कहाँ तक पहुँची है। टूलकिट को आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे, टूलकिट भी आपकी जो बाय पोस्ट आएगी डाक द्वारा टूलकिट यहाँ पर आपको दी जाती है, तो इस यहाँ से आप टूलकिट को भी ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं ट्रेनिंग कब होगी। तो देखिए, ट्रेनिंग आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ट्रेनिंग के लिए जो भी आपका सेंटर सिलेक्ट हुआ होगा, सेंटर के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, आपने जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस जगह आपको ट्रेनिंग पर आना है, इस समय ट्रेनिंग पर आना है, पूरी जानकारी दी जाएगी, कब आपको ट्रेनिंग पर जाना है, कहाँ सेंटर है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ये पूरी जानकारी आपको जो सेंटर अलॉट हुआ है वह सेंटर के माध्यम से आपको कॉल करके बताया जाएगा, और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। 6 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको ये सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 4,000 रुपये आपको और मिलेंगे, 3,000 रुपये यहाँ पर भत्ता दिया जाता है, इसके अलावा 1,000 रुपये यात्रा भत्ता भी दिया जाता है, जो कि आपके डीबीटी एनपीसीआई लिंक जिस भी खाते में है उस अकाउंट में पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इस मैसेज अगर आपको प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ पर फॉर्म, आपका जो फॉर्म है वह अप्रूव कर दिया गया है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।